अपने देश के लिए खेलना चाहता हूँ। के बारे में बताऊं तो सबसे पहले तो ये जब बोलना स्टार्ट किया और तकरीबन 1.25 साल का था, तो सुबह जागते ही सबसे पहले क्रिकेट का मैच देखने की जिद करता था, दूसरा कुछ करता ही नहीं था। और फिर मुझे लगने लगा कि इसके अंदर क्रिकेट को लेके कोई अलग सी बात है। फिर मैंने इसको घर में धीरे धीरे खिलाना शुरू किया और जब ये 1.5 साल का हुआ, एक्चुअली जब मेरा एक बैट रखा हुआ था घर में, तो वो उस बैट को लेके घसीटता रहता था और उस बैट के हैंडल से उसके रिब के पास वो एक गांठ सी पड़ गई थी। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि उसके हाइट से ज़्यादा मेरा बैट होता था उस वक्त। उसको देख के मुझे लगा कि उसके हैंडल से हुआ है। उस बैट को मैंने छुपा के रख दिया और जब तक कि मैंने उस बैट को निकाल के नहीं दिया, वो रोना बंद नहीं किया। तो उसी दिन उसकी मम्मी ने एक छोटा सा प्लास्टिक का बैट 1.5 साल की उम्र में ला के दिया मार्केट से, और वहाँ से हम लोगों की धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। और जब 2 साल 10 महीने का हुआ ये, मुझे लगा कि क्यों ना इसको अब मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग दूँ खुद से ही, क्योंकि किसी भी एकेडमी में तो कोई लेने को तैयार नहीं थे उस वक्त तक। मैंने इसके लिए 60 डेज का एक एग्ज़ाम रखा। 60 डेज तक मॉर्निंग 5:30 मैं इसको ग्राउंड पे लेके जाऊंगा और 60 डेज तक अगर ये कंटिन्यूसली इस चीज़ को करता है तो फिर मैं इसको फुल टाइम ट्रेनिंग दूंगा। Day 1 से लेकर के 60 डेज तक मॉर्निंग 5:30 ग्राउंड पे आता था और कंटिन्यूसली बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, फुटबॉल, एवरीथिंग एंजॉय करता था। और इतना पोटेंशियल और इसके अंदर इतना टैलेंट देख के मुझे लगा कि अब मुझे अपना बिजनेस सैक्रिफाइस करना चाहिए और इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे टैलेंट को अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनजस्टिस होता। और वहाँ से हमारी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई। पहली बार जब शान को देखा था तब तो काफ़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि इस एज के बच्चे तब बैट भी नहीं उठा पाते हैं और इतने अच्छे ग्राउंड शॉट खेलते हैं। मतलब हमें इंस्पिरेशन काफ़ी मिलती है शायान से। उसकी गेम में एक खासियत है, वो कवर ड्राइव और फ्लिक बहुत अच्छा मारता है। वो ऐसे ऐसे शॉट खेलता है जो स्टेट प्लेयर खेलते हो वैसे शॉट मारता है। ग्राउंड पे मैं इसके साथ एज ए गुरु ही ट्रीट करता हूँ। थोड़ा सा दिशा दिखाता हूँ, वो सारा रास्ता खुद ही तय करता है। इसके अंदर जिस तरह का पैशन है, फिर मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। 15-20 ईयर्स में जो मुझे नहीं मालूम था क्रिकेट के बारे में, वो 4 साल की उम्र में उसको पता था। अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो 4 साल की उम्र में इस अपने स्कूल की टीम के लिए अंडर 12 के लिए सेलेक्ट हुआ था। फिर इसने अंडर 12 खेला और फिर KG में इसने अपने स्कूल को अंडर 14 साउथ दिल्ली जोनल मैच में रिप्रेजेंट किया था। ये अभी तक की उसकी अचीवमेंट है। डेफिनेटली ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी है। हमने अपना बिजनेस सैक्रिफाइस किया हुआ है और जो भी हमने अपनी पूंजी जमा की थी अभी वही यूज़ कर रहे हैं। वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी। कोई चीज़ होनी चाहिए जो ऐसे बच्चों को आगे जाने का मौका दें। जो मेरे अंदर क्रिकेट को लेके एक प्यार था, जुनून था, जो मैं नहीं हासिल कर पाया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गॉड ने मुझे वापस से वो सपना जीने के लिए दिया है और मैं इसे अपना फ़र्ज़ समझ के करता हूँ। मेरे ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं है कि ये कल को इंडिया खेले। सपना ज़रूर है, लेकिन ऊपर वाला जानता है, वो जो करेगा अच्छा होगा।